हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द एक्सीडेंटल डॉक्टर। हमने महाराष्ट्र की सीरीज शुरू कर दी है, उसमें हमने पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो प्लीज़ जाके उसे चेक कीजिए। इस वीडियो में हम IGMC नागपुर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। IGMC नागपुर मतलब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यूजुअली नोन एज मायो हॉस्पिटल, विच इज़ लोकेटेड इन लकड़गंज ऑन CA रोड नागपुर। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1968। सो ये एक पुराना मेडिकल कॉलेज है। तो पुराना मेडिकल कॉलेज है मतलब इसका एक प्लस पॉइंट ऐसा रहता है कि इसका पेशेंट इनफ्लो बहुत अच्छा रहता है। सो अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स वाइज एंड फैकल्टी एंड ओवरऑल पेशेंट फ्लो, ये कॉलेज बहुत अच्छा है। ऑल्सो इट रैंक्स टू इन द विदर्भा रीजन, सो इट इज़ अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स दैट द कॉलेज प्रोवाइड्स। दिस कॉलेज प्रोवाइड्स 200 सीट्स फॉर द MBBS कोर्स, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा से 15% सीट्स फिल की जाती है और स्टेट कोटा से 75 रिमेनिंग सीट्स फिल की जाती है। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट द कट ऑफ। सो फॉर कट ऑफ ऑफ ऑल इंडिया कोटा फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 655 मार्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट कोटा। तो स्टेट कोटा में जनरल कैटेगरी में भी हम सब कैटेगरीज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ऑर्फन, हिली एरिया और वुमेन कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप, उनके भी कट ऑफ्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 623 मार्क्स, फॉर जनरल वुमेन 626 मार्क्स, फॉर जनरल फिजिकली हैंडीकैप 232 मार्क्स, फॉर जनरल ऑर्फन कैटेगरी 443 मार्क्स, फॉर जनरल हिली एरिया 615 मार्क्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी के लिए 620 मार्क्स, EWS वुमेन कैटेगरी 617 मार्क्स, EWS फिजिकली हैंडीकैप 224 मार्क्स। फॉर जनरल कैटेगरी डिफेंस 1 597 मार्क्स, जनरल कैटेगरी डिफेंस 2 594 मार्क्स, जनरल कैटेगरी डिफेंस 3 609 मार्क्स, फॉर OBC कैटेगरी 616 मार्क्स, फॉर OBC वुमेन 618 मार्क्स, OBC फिजिकली हैंडीकैप 189 मार्क्स, फॉर NTC कैटेगरी 595 मार्क्स, फॉर NTB कैटेगरी 562 मार्क्स, फॉर NTD कैटेगरी 618 मार्क्स, फॉर VJ कैटेगरी 579 मार्क्स, फॉर VJ वुमेन कैटेगरी 572 मार्क्स, फॉर SC कैटेगरी 549 मार्क्स, फॉर SC फिजिकली हैंडीकैप 194 मार्क्स, फॉर SC वुमेन कैटेगरी 550 मार्क्स, फॉर ST कैटेगरी 416 मार्क्स, फॉर ST कैटेगरी वुमेन 412 मार्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर। इस कॉलेज का फीस 1,42,000 पर ईयर है और टोटल MBBS कोर्स के लिए 6,39,000 तक टोटल अप्रॉक्स कॉस्ट जाएगा। स्पेसिफिकली ऑल इंडिया कोटा और स्टेट जनरल कैटेगरी के लिए 1,19,000 पर ईयर, स्टेट EWS कैटेगरी के लिए 67,000 पर ईयर और OBC, SC और ST कैटेगरी के लिए 15,000 पर ईयर। अगर आप OBC, SC, ST या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी की इतनी ही फीस लगेंगी, जो कि है 1,19,000। और एडमिशन के वक्त आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से पे कर सकते हो। ऑनलाइन आप NEFT और RTGS से पे कर सकते हो, जो कि एडमिशन के वक्त जो भी बैंक डिटेल्स आपको लगेंगी वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेंगी। हॉस्टल की फीस 4,000 पर ईयर है और ये जो 4,000 पर ईयर फीस है ये टोटल फीस में इंक्लूडेड है, और जो मेस है वो हॉस्टल में इंक्लूडेड है, जो कि है 2,000 पर मंथ अप्रॉक्स, जिसमें आपको दो टाइम का खाना इंक्लूडेड है, बाकी स्नैक्स वगैरह और जो भी ब्रेकफास्ट आप करोगे उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्टल। द स्टूडेंट्स ऑफ IGMC से दैट दे हैव वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स ऑफ महाराष्ट्र, एस्पेशली द गर्ल्स वन। देर आर टू न्यू बिल्डिंग्स एंड टू ओल्ड बिल्डिंग्स। द फर्स्ट ईयर गर्ल्स गेट अलॉटेड टू द न्यू बिल्डिंग, बट फॉर बॉयज इट इज़ नॉट दैट गुड बिकॉज दे गेट ओल्ड बिल्डिंग एंड आफ्टरवर्ड्स दे गेट शिफ्टेड टू द न्यू बिल्डिंग। द अकोमोडेशन पर रूम फॉर बॉयज इट इज 2 to 3 बॉयज पर रूम एंड फॉर गर्ल्स 4 गर्ल्स पर रूम एंड द वॉशरूम इज कॉमन। IGMC कैंपस हैज जिम खाना, बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट और फुटबॉल आपको टर्फ पे जाके खेलना पड़ेगा। रीडिंग रूम्स अवेलेबल है UGs और PGs के लिए, कंप्यूटर और इंटरनेट रूम भी अवेलेबल है। तो कैंपस में आपको इतना कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट एकेडमिक्स वाइज दिस कॉलेज इज रियली गुड। दिस कॉलेज प्रोवाइड्स स्टाइपेंड ऑफ 11,000 पर मंथ। ऑल्सो दिस कॉलेज हैज टू बॉन्ड्स, एक तो आपको एक साल का सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा आफ्टर इंटर्नशिप इन एनी रूरल हॉस्पिटल
और दूसरा बॉन्ड है 5 साल का फॉरेन बॉन्ड, मतलब आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स यू कैनॉट गो टू एनी फॉरेन कंट्री। अगर आपने ये दोनों बॉन्ड्स मतलब पूरे नहीं किए तो आपको पेनल्टी लगेंगी 10 लाख की, तो ये आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस कॉलेज का ड्रेस कोड है 3/4 कुर्ती, लेगिंग्स और चुन्नी। चुन्नी इज फॉर ओनली फर्स्ट ईयर और इसके बाद इट्स नॉट कंपल्सरी। और बॉयज़ के लिए प्लेन शर्ट, फॉर्मल पैंट एंड फॉर्मल शूज़। एडमिशन प्रोसेस के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको पहले तो कॉलेज पे जाना है, उधर आपको डीन ऑफिस में एक टोकन नंबर मिलेगा, वहाँ से आपको टोकन नंबर कलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो मैंने इंफॉर्मेशन जो लिस्ट शेयर की है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको फोटो कॉपीज चाहिए 2 और एक ओरिजिनल सेट, ऐसे 3 सेट आपको कॉलेज में लेके जाने हैं। और ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको, मतलब ये तो आपको कॉलेज भी प्रोवाइड करेगा, बट इन केस आई एम टेलिंग यू कि आपको अगर ये कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। सो दैट्स इट। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है इस वीडियो में उतनी सफिशियंट है किसी भी कॉलेज को जानने के लिए, तो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट डाउन बिलो या फिर मैसेजेस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ @accidentaldoctor। और अगर आपको हमारे काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में जानना हो तो विजिट आवर वेबसाइट www.accidentaldoctor.in। अगर उसमें भी कुछ डाउट्स हो, अगर आपको प्लान्स के बारे में डिटेल में जानना हो तो मैसेज अस ऑन आवर इंस्टाग्राम @accidentaldoctor। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।